बोले तो दोस्तों, मैं आपको लो वेस्ट पैंट का कटिंग करना बता रहा था। तो पहले आपने एक काम करना है, पहले यहाँ से जो थाई का निशान है, यहाँ से हाफ इंची का एक निशान लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ से अपने ये घुटने का निशान लगा देना है, और फिर जो है वो मोहरी का निशान लगा देना है। मोहरी हो गया, बटन हो गया, सब यही होता है। उसके बाद में 1.5 इंची का निशान लगाना है, और ये भी आपको 1.25 इंची का। उसके बाद में दोस्तों, आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से निशान लगा देना है, और यहाँ से एक सीधा निशान लगाने के बाद में इसका जो है हाफ इंची जो है हमने डाउन किया हुआ था, तो यहाँ से हाफ इंची जो निशान लगा देना है। उसके बाद में यहाँ से 2 इंची का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ से ये निशान जो है ये सीधा कर देना है। ये सीधा करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से 45 इंची है तो 11.5 इंची हो गया, 11.5। उसके बाद में 1.5 इंची का एक निशान लगा देना है। अब ये 49 इंची है तो 12.25 हो गया, प्लस 12.13। उसके बाद में आपने ये थाई का जो है थाई का निशान करना है। अब थाई का निशान करेंगे तो आपने ज़्यादा करके इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर करते हैं, लाइन के ऊपर आपको निशान नहीं लगाना है। आपने यहाँ से लगभग 1 इंची 1.25 इंची नीचे एक निशान लगाना है, और उसके बाद में अपने थाई का निशान लगा, जैसे ये मेरा 15.5 हो गया, ठीक है। तो 15.5 का मुझे तैयार मेरा आएगा 14.5 इंची, तो यहाँ से मेरा 32 इंची है, तो 32.5 इंची। अब उसके बाद में ये थाई जो है हिप का निशान लगाएंगे इसे, और हिप का निशान लगाने के बाद में आपने ये भी चेक करना है से ये मेरा, ये अगर थाई का हिसाब कर रहे हैं तो ये मेरा थाई जो है वो कम आ रहा है, इसको कमती में 5 इंची होना चाहिए, ठीक है। ये 5 इंची होना चाहिए, और यहाँ से जो है वो ये जो है, देखिए एक और भी हिसाब होता है, जिसे थाई जो है, ये थाई का और हिप का निशान जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 50 इंची 49 इंची है, तो यहाँ से कमती में 45 इंची 46 इंची होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको ये भी हिसाब होता है, कोई कोई में आपको ये फिक्स आएगा, ठीक है। जिसका ये फिक्स क्यों आ जाता है कि कोई का हिसाब जो है ना वो थाई और कितना आदमी का हिप जो है ना, हिप बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और थाई जो है ना पतला होता है, ठीक है, और कितना आदमी का ना हिप भी सही होता है और थाई भी सही होता है। तो उसके लिए ये जो मिलाइएगा ना, तो ये आपका पूरा करेक्ट आएगा। जैसे आपको ये थाई जो है 28 इंची है, तो थाई के हिसाब से ये वाला आपका हिप जो है, अगर हिप 40 हो गया तो ये 20 इंची आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 20 इंची हो जाएगा, और आपका थाई भी 26 इंची 27 इंची 28 इंची ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हिप का हिसाब से आप थाई भी रख सकते हैं, और किसी का हिप जिसे हिप ज़्यादा होता है और थाई बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, 2-3 इंची कम करके फिर ये देखना है। ये जैसे मेरा 23 46 इंची का आ रहा है, लेकिन 49 इंची चाहिए, तो इसमें मेरा आ रहा है यानी 1.5 इंची कम आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 इंची कम इसलिए आ रहा है कि मैं इसका थाई जो ना थाई पतला है और हिप बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी हिसाब कर सकते हैं, जैसे 40 42 तक हिप जो है ना, उसके लिए ये बहुत ही आसान होता है। अगर हिप अगर थाई का आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम चल रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक निशान लगाइए, और ये वाला निशान का आपने इसका सीधा निशान लगाया, जिसे आपको मानते हैं 40 इंची हो गया, तो यहाँ से 40 इंची लगा दिए, 42 इंची हो गया तो यहाँ से 42 इंची लगा दिए, तो 42 के हिसाब से आपका थाई भी कमती आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो बड़ा साइज होता है, बड़ा साइज का होने का मतलब हो गया कि आपको जो है ना डिफरेंस कटिंग हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कटिंग ये हो जाएगा क्योंकि आपको जो है ना अपने हिसाब से उसको कटिंग करना होता है, क्योंकि वो
उसमें जो है ना आपका स्केल और आपका जो मेजरमेंट होता है ना वो काम नहीं करता है, वो थोड़ा अपना से लगाना पड़ता है, अपने से हिसाब करना पड़ता है। इसका हिप ज़्यादा है, थाई कम है, थाई ज़्यादा है, हिप कम है, कमर ज़्यादा है और हिप कम है। इसके लिए आपको भी अपना स्केल और अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, से अगर बड़ा साइज हो गया तो इसमें आपने 1-2 इंची कम करके, 1.5 इंची कम करके निशान लगाए, और 40-42 तो नॉर्मल साइज है, 40 इंची हिप हो गया, 42 इंची हिप हो गया, 38 इंची, 36 इंची, तो उसके लिए आपको ये सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे 38 इंची हुआ हिप, तो यहाँ से 38 इंची का निशान लगा दीजिए, यहाँ से 40 इंची का निशान लगा दीजिए, ये आपको करेक्ट आ जाएगा। अगर आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आप इसको देखिए, आपका सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा साइज है तो इसके लिए हमने यहाँ से फिर ये गुलाई कर देना है। ये जो है, ये चीज़ जो है ना, ये हर एक आदमी को पता नहीं होता, बस वो कटिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये क्या हिसाब है, क्या तरीका है। तो इसलिए मैं आपको बारीकी से बता दिया हूँ, से लो वेस्ट पॉइंट जो है ना उसके बाद में यहाँ से आपने ये वाला स्केल जो है निशान लगा देना है। मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से कटिंग बताता हूँ कि दुनिया के कोई भी मुल्क में आप चले जाए, बड़ा सबसे बड़ा अमेरिका क्यों नहीं चले जाए, आप सबसे बड़ा हेवी साइज का आप कटिंग करें, हेवी लॉन्ग का कटिंग करें, आपको कोई नहीं दिक्कत होगा। इसलिए मैं छोटा भी और बड़ा साइज भी कटिंग करता हूँ। जैसे इंडिया में है, इंडिया में भी आप मोटे, कोई कोई आदमी मोटे होते हैं, उनके लिए भी आप कटिंग करना, क्योंकि हर एक आदमी पतला साइज तो नहीं हो जाएगा। जैसे मैं शुरू में कटिंग सीखता था तो सादा सादा मैं कटिंग करता था, यानी चेक वाला जो है ना मैं कटिंग नहीं करता था। तो वो बोलते थे मेरा गुरु कि हर एक जगह ये सादा थोड़ी आएगा, हर एक कस्टमर सादा थोड़ी पसंद करेगा, चेक वाला भी कोट पसंद करेगा, तो चेक वाला कोट नहीं काटेगा तो कैसे होगा। तो वो इसी तरह आप छोटा कटिंग कर रहे हैं और बड़ा कटिंग आ जाएगा तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं बड़ा साइज भी आपको बताता हूँ कि बड़ा साइज में आपको सब चीज़ हिसाब से देख करके बड़ा हिसाब से रखना होता है। तो इसलिए आप बड़ा भी देखें और फिर इस चीज़ का आपने नोटिस करना है। उसके बाद में यहाँ से आपने पॉकेट का निशान लगाना है, तो ये 3.5 इंची, और यहाँ से ये निशान जो है वो सीधा रख करके, और 3.25 इंची, और ये 6.25 इंची, 6.25 इंची होने के बाद में ये आपका एक लाइन का 3 इंची ये डॉट का हो गया। अब इसका ऑल राउंड मैं नाप लेता हूँ, लोवेस्ट का कितना है, ये 10.25 इंची मेरा फ्रंट हो गया, यानी ये 26 हो गया, 26 × 52, यानी मेरा 49 इंची ही पे, तो 1.5 इंची मेरा ज़्यादा आया। ठीक है, तो 1.5 इंची 2 इंची आप हिप के हिसाब से देंगे तो इसका हाई जो है ना, हाई वो नहीं फंसेगा। ठीक है, उसके बाद में ये साइड में आपको मार्जिन देना, साइड में मार्जिन देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है वो हिप जो है ना, हिप में लूज यूज करना पड़ेगा। तो जैसे थाई में मार्जिन नहीं होता है तो आप साइड से भी लूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपने और आगे जो है ये सीधा नहीं काटना है, यहाँ से आपको कोट का बैक कटिंग करना है। तो इधर जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना ही ले, मैं पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ऐसा प्रोफेशनल तरीके से शायद कोई नहीं बताएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको थोड़ा परेशानी होगा क्योंकि हर एक आदमी का जो कटिंग होता है डिफरेंस होता है। तो मेरा चैनल पुराना वाला था तो उसके ऊपर काफ़ी मेरा सब्सक्राइबर हो गया था, लेकिन वो बंद हो गया। तो आप ये चैनल के ऊपर मेरा जोड़े ताकि मैं आपको हर एक जो है ना मैं वीडियो दिखा सकूँ स्टिचिंग का और कटिंग का। तो ये मैं लो वेस्ट पैंट कटिंग किया हूँ फ्रंट,
ऑन बैक, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। जितने भी लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मुझे सपोर्ट करें। और प्लाजो, कठोरी ब्लाउज, लेडीज़ सूट, लेडीज़ शर्ट, लेडीज़ कोट, और आपको जीन्स में कुर्ता, शर्ट पैंट और कोट, सफारी शेरवानी, आपको कटिन और स्टिचिंग पूरा पार्ट पार्ट करके मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखें और फिर मेरे चैनल को शेयर करें। तो चलिए मैं आपको इसका कोट कटिन करके बता दे रहा हूँ। तो ये मेरा स्पेशल दोस्त है, मुझे रिक्वेस्ट किया है इस नाप का कोट कटिन करने का, कोट और पैंट, कि वो इंडिया में रहते हैं मुंबई, तो उनको ये जो है ना ये आया हुआ है, ये जो नाप है ये सेम नाप का आया हुआ है। वो बोलते हैं बाहर का आदमी है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसका मुझे थोड़ा डिटेल में बता दे। तो मैं बोला ठीक है, मैं इसको जो ना आपको कटिंग करके बता दे रहा हूँ, तो इसलिए। तो चले दोस्तों, ओके बाय।